बेटा, अरे ओ बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, नहा रहा हूँ। अरे ओह नो। नालायक, 1.5 घंटा हो गया है तुझे नहाते नहाते, लेकिन अभी तक वही बैठा है। लगता है 100 जन्मों तक का आज ही नहाएगा क्या? नहीं माँ, मैं अभी तक कपड़े धो रहा था, लेकिन अब नहाऊंगा। अरे नालायक, अब तो तेरी शादी हो गई है, जा और जाकर अपनी बीवी से बोल, वो धो देगी तेरी कपड़े, तू क्यों धो रहा है? नहीं माँ, आप मुझे चाहे जितनी भी गालियां दे लो, लेकिन मैं उसको कपड़े धोने को नहीं कहूंगा। अरे कमीने, तू इतना डरपोक पति है क्या जो अपनी बीवी से अपने कपड़े भी नहीं धुलवा सकता है? अरे माँ, मैंने परसों उसे कपड़े धोने को बोला था, लेकिन उसने लकड़ी का डंडा उठाया और अंदर ले जाकर मुझे ही धो डाला। मेरी सारी हड्डियां दर्द कर रही है अभी तक। तो तू अपनी बीवी से डरता है और जो वह ओह बोलती नो। है तू वही करता है? हाँ माँ, चाहे दिन हो या रात हो, लेकिन माननी पड़ती है उसकी हर बात। अगर करूंगी मैं नखरे, तो मार मार कर तोड़ देगी वह मेरे चमड़े। देख बुढ़िया, तू मेरे गाय जैसे आदमी को क्या पाठ पढ़ा रही है और तू इसको मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही है? ये केवल तेरी ही पति नहीं बल्कि यह मेरा भी बेटा है, और तू इसे आंखें मत दिखाया कर। देख तो बेचारा ये तुझसे डरता है। ये नहीं मानेंगे मेरी बात तो मारूंगी मैं इनको मुक्का और लात, और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इनको ऐसे ही सताऊंगी, और अगर जाएंगे नखरे तो चिमटा गर्म करके इनका पिछवाड़ा जलाऊंगी।